हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। ओके, सब ठीक होंगे आप। ओके, सो आज मैं हूँ आपके साथ आप ही के बुक लेकर, ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज, और हम आ गए हैं उसके फोर्थ चैप्टर पे, और द फोर्थ चैप्टर इज नाउन्स। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, नाउन क्या होता है? नाउन होते हैं बच्चों नेमिंग वर्ड्स। जब हम किसी चीज को कोई नाम दे देते हैं ना, तो वो बन जाते हैं नाउन। और इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है जो आप सबको याद कर लेनी चाहिए। नाउन्स आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। नाउन्स क्या है बच्चों? नाम है एक पर्सन का, प्लेस का, जगह का, एनिमल का या फिर किसी चीज का, वो हो जाते हैं नाउन। ओके, तो हमेशा याद रखो कि नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स। ओके, एग्जांपल, रमन। रमन एक पर्सन का नाम है, ताजमहल एक प्लेस का नाम है, डॉग एक एनिमल का नाम है, एंड स्पून किसी चीज का नाम है। स्पून होता है ना, चम्मच। ओके, सो ऑल आर नाउन। सो ये क्या है? सब नाउन है। वो क्यों नाउन है? क्योंकि हमने इन्हें क्या दे दिया है बच्चों? हमने इन्हें दे दिया है नाम। ओके, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ओके, सो रीड दीज सेंटेंसेस। रोहन एंड राजीव आर फ्रेंड्स। सो रोहन और राजीव भी नाम है, और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स किसे कहते हैं? दोस्त। अब हमने इसे भी एक नाम दे दिया, फ्रेंड्स। रोहन एंड राजीव आर फ्रेंड्स। द पैरट फ्लू आउट ऑफ केज। पैरट कहाँ से चला, उड़ गया? पिंजरे से। तो पैरट एक एनिमल हो गया, और पिंजरा क्या हो गया? एक चीज हो गई, राइट? माय कैट ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। सो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो कलरफुल लिखे हुए हैं, ये सब क्या है बच्चों? नेमिंग वर्ड्स है, और हम इन्हें क्या कहते हैं? नाउन्स। सो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, एंड नाउन्स आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो ये वाली जो डेफिनेशन है बच्चों, इसे आप लर्न कर लेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ तीन तरह के नाउन्स, ठीक है? लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे हम कर लेते हैं, और हमें इसमें क्या करना है? सर्कल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें इन सेंटेंसेस में नाउन्स को सर्कल करना है। अब नाउन क्या है बच्चों? किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज का नाम और किसी जगह का नाम। ओके, चलिए। मदर। अब मदर इज अ पर्सन, और हमने उनके लिए एक कॉमन नेम दिया हुआ है, मदर, ठीक है? चलिए, मदर कैप्स द स्पून्स। स्पून्स भी हमारी चीजें हैं, डिशेस, ओके, प्लेट्स जो होती हैं, एंड बाउल्स ऑन द शेल्फ। सो ये सब क्या है? ये सब है चीजें, शेल्फ, बाउल्स, डिशेस एंड स्पून्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द गोट। गोट क्या है बच्चों? एनिमल। शूट द कर्टेन, राइट? व्हेल। व्हेल इज अ माइटी क्रिएचर। आई लाइक टू ईट मैंगोज। समर। समर एक सीजन है, और सीजन को हमने क्या नाम दिया हुआ है? समर। तो ये भी है नाउन, राइट? इंडिया। इंडिया एक नाम है कंट्री का, और कंट्री क्या नाम दिया हुआ है हमने? किसी भी जगह को एक कंट्री बना दिया, देश बना दिया। नाम क्या दे दिया? दिस इज अ कंट्री। तो ये कॉमन नेम हो गया इसका, राइट? तो ये भी है नाम। ओके, द डॉक्टर गेव मी सम मेडिसिंस। ओके, तो ये सारे सर्कल कर लो, बिकॉज दीज ऑल आर नाउन। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ बच्चों कॉमन नाउन। ओके, ओके, तो कॉमन नाउन क्या होते हैं? वर्ड्स। वो वर्ड्स दैट आर कॉमन नेम्स फॉर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग, जो हर जगह, हर चीज, हर इंसान और हर एनिमल के लिए कॉमन है। जैसे कि शेर। अब शेर एक कॉमन नाम है, बिकॉज इस दुनिया में बहुत सारे शेर हैं। जैसे ये पेन है, ये पेन इसका कॉमन नेम है, क्योंकि ऐसे पेन बहुत सारे। तो जब हम चीजों के लिए कॉमन नेम रख देते हैं, जैसे एक मेल और फीमेल है, मेल को हम कह देते हैं बॉय, फीमेल को हम कह देते हैं गर्ल, राइट? सो जो बॉय है वो क्या है? कॉमन नेम हो गया, और गर्ल भी हो गया कॉमन नेम, ठीक है? सो वर्ड्स दैट आर कॉमन नेम्स फॉर पर्सन, जो हम कॉमन रख देते हैं, वो कहलाते हैं कॉमन नेम। जैसे टाइगर। टाइगर बहुत सारे हैं। नेबर। नेबर हमारे बहुत सारे हैं,
औरों के भी होते होंगे, लेकिन वो सब क्या है, पड़ोसी, नेबर। तो अब हम इनको कॉमन नेम से बुलाते हैं कि ये हमारे नेबर है, ये हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं इस नाम को, ठीक है। हमारे दो नेबर हो उन्हें भी नेबर कहेंगे, हमारे 10 नेबर्स हो हम उन्हें भी नेबर कहेंगे, राइट। पड़ोसी मतलब सिटी। अब सिटी बहुत सारी होती है, दिल्ली है, गाजियाबाद है, मेरठ है, ठीक है, बहुत सारी सिटी होती है, लेकिन सिटी है, शहर है, सिटी एक कॉमन नेम, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे कॉमन नाउन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा प्रॉपर नाउन। जब हम इन कॉमन नाउन को बच्चों कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, कोई अलग से नाम दे देते हैं, मान लीजिए एक बॉय है, बॉय तो कॉमन नेम हो गया, कॉमन नाउन है। अब हम उस बॉय का नाम दे देते हैं राहुल, तो राहुल क्या हो जाता है, एक स्पेशल हो जाता है, बिकॉज हर एक का नाम तो राहुल नहीं है ना, उस बॉय का नाम राहुल है। सो बॉय अगर कॉमन नाउन है तो राहुल क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। चलिए बढ़ते हैं। वर्ड्स, वो वर्ड्स दैट रिफर्स टू द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, जो एक पर्टिकुलर नेम रिफर करते हैं किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल या चीजों का, आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे कि हर्ष, हर्ष एक पर्सन का नाम है यहाँ पर, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉपर नाउन हो गया। दिल्ली एक सिटी है, सिटी इज अ कॉमन नेम, लेकिन जब हमने उस सिटी को दिल्ली कह दिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, राइट। बेला एक गर्ल का नेम हमने दे दिया। तो ये सारे जब हम नेम दे देते हैं, स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, पर्टिकुलर नेम्स दे देते हैं किसी भी इंसान को, जगह को, चीज को या एनिमल को, तो वो हो जाते हैं प्रॉपर नाउन्स। ओके, और हमेशा ये याद रखना है आपको कि प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ। हम जब भी किसी का नाम लिखते हैं बच्चों, हमेशा लिखते हैं कैपिटल लेटर से। ओके, चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। पिक आउट द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से हमें क्या निकालना है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन के आगे हमें पी लिखना है और कॉमन नाउन के आगे हमें सी लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रूना इज अ बिग डॉग। तो ब्रूना एक डॉग का नेम है, राइट। तो ब्रूना क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर नाउन, राइट। अब डॉग क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। हम डॉग को छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज डॉग कॉमन नाउन है, ठीक है। डॉग तो बहुत सारे होते हैं, राइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ फेमस राइटर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, प्रॉपर नाउन, और राइटर क्या है, एक कॉमन नेम है, कॉमन नाउन। ओके, आई मेट माई नेबर। नेबर बहुत सारे होते हैं, सो ये कॉमन नाउन, माला। अब उसको नाम दे दिया तो प्रॉपर नाउन। इन द मार्केट, और बहुत सारी मार्केट हो सकती है, किसी स्पेशल मार्केट का तो यहाँ पर नाम नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, राइट। द टाइगर, टाइगर इज अ कॉमन नाउन। इन दिस केज, केज पिंजरा, बहुत सारे हैं, कॉमन नाउन, इज कॉल्ड स्ट्राइपी। सो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ अहमद ट्रेवल्स टू कोलकाता वेरी ऑफन। अब अहमद इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नाउन। कोलकाता इज अ नेम ऑफ अ सिटी, आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, तो ये भी है प्रॉपर नाउन। ओके, अली इज अ 7-year-old बॉय। अली हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। बॉय इज अ कॉमन नाउन, एंड मीना इज अ प्रॉपर नाउन, इज एन 8-year-old गर्ल, ये भी हो गया आपका कॉमन नाउन। ओके, सो इस तरह से हमें पहचान होनी चाहिए कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन है बच्चों जब हम किसी चीज को, किसी जगह को, या किसी इंसान को, या किसी एनिमल को कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, राइट। और कॉमन नाउन तो है ही, जब हम जैसे टाइगर, सिटी, बॉय, गर्ल, ओके, मदर, फादर, ये सब है कॉमन नेम। फादर सबके होते हैं और सबके लिए वो उनके फादर होते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। यस, अब हम तीसरा नाउन सीख रहे हैं। अभी तक हमने करा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और अब ये है हमारा कलेक्टिव नाउन। जब हम वर्ड्स दैट रिफर्स टू द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, ओके, जब हम
पर्सन के ग्रुप के लिए, एनिमल के ग्रुप के लिए, चीजों के ग्रुप के लिए या प्लेस के ग्रुप के लिए कोई एक नेम डिसाइड करते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन। ओके, तो उनके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए ये एग्जाम्पल देखिए आप, आई हैव लॉस्ट माय बंच ऑफ कीज, मैंने अपनी बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा होता है ना बंच ऑफ कीज, वो खो दिया है। तो अब बहुत सारी चाबियां हैं एक साथ, ठीक है, ग्रुप ऑफ कीज है, अब हमने ग्रुप ऑफ कीज के लिए क्या नेम डिसाइड किया है, बंच। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। वी सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस ड्यूरिंग आवर ट्रिप टू अफ्रीका। प्राइड ऑफ लायंस, तो बहुत सारे लायन हैं, उनके लिए हमने क्या नेम डिसाइड किया है, प्राइड। ओके, सो बच्चों ये चीज आपको लर्न करनी होगी, जैसे जैसे आप अभी आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स लर्न करने को मिलेंगे, लेकिन जितने मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ आपको उन्हें लर्न करना है। जैसे बंच ऑफ कीज, प्राइड ऑफ लायंस, राइट, आपको ये सब लर्न रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, बंच ऑफ कीज, प्राइड ऑफ लायंस। ओके, sometimes the same collective noun can be used to name different collections of things. kai baar ek same naam bhi hum bahut different cheezon ke liye use kar dete hain, different cheezon ke collection ke liye bhi use kar lete hain, jaise ki aapko a herd of cattle, a pack of cards, a bunch of grapes, a bunch humne use kara peas ke liye bhi aur bunch humne use kara grapes ke liye bhi, theek hai, herd of cattle, jo cattle hote hain na उनके लिए हम यूज करते हैं हर्ड, अ पैक ऑफ कार्ड्स, जो बहुत सारे कार्ड्स होते हैं उनके लिए हमने क्या कलेक्टिव नाउन यूज करा है, अ पैक ऑफ कार्ड्स। सो ये आपको बच्चों लर्न रखना है, राइट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ कलेक्टिव नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सो यहाँ पर आपको कलेक्टिव नाउन्स के कुछ नेम्स दिए हुए हैं, हमें करेक्ट ऑर्डर लिखना है, राइट। अ डैश ऑफ शीप, अ डैश ऑफ शिप्स इज स्टैंडिंग इन द हार्बर। अ फ्लीट ऑफ शिप, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों आप, फ्लीट ऑफ शिप्स इज स्टैंडिंग इन द हार्बर। वी बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, आप मेरे साथ लिखते चले और इन्हें लर्न भी करना है आपको बच्चों। अब वी बॉट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, आगे चलते हैं। यू कैन सी अ डैश ऑफ एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, तो क्या आ जाएगा, हर्ड ऑफ एलिफेंट, ठीक है। द डैश ऑफ म्यूजिशियंस प्लेड लाइवली म्यूजिक, अब म्यूजिशियंस बहुत सारे जहां पर हो वहां आ जाता है बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो ये सब क्या है बच्चों, ये है इनके कलेक्टिव नाउन्स। ओके, अ डैश ऑफ पेपर ले ऑन द टेबल, सो शीप ऑफ पेपर, अ शीप ऑफ पेपर्स। द मास्टर फेड हिज हॉर्स a dash of hay, so kya khilaya, bundle of hay, bundle of hay, usne bundle of hay, bhuse ka bundle khilaya apne horse ko master ne, theek hai। so ye sab kya hai bachcho, ye hai aapke collective nouns। okay, so chaliye look at these pictures, then write the names of the correct collective noun under। सो हमने इन पिक्चर्स को देखना है और ये सब क्या है बच्चों, ये है बीज, सो अ स्वॉर्म ऑफ बीज, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ओके, चलिए ये सब क्या है, पैक ऑफ कार्ड्स। ओके, अ पैक ऑफ cards, okay? ये सब क्या है बच्चों, a herd of cows, a herd of cows, okay? ये क्या है बच्चों, a pride of lions, ये इनके नाम है, ठीक है, आपको ये लर्न करने हैं, pride of lions, okay? So please complete this exercise with me, children. चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज ई एक्सरसाइज,
Read the following sentences and identify the common or proper nouns in them. So हमें इनमें proper और common noun बताना है. So the Taj Mahal in India is very beautiful. अब Taj Mahal किसका नाम है? एक जगह का नाम है. India किसका नाम है? एक country का नाम है. तो ये है ना proper noun. So India क्या हो जाएगा? Proper noun. Taj Mahal भी proper noun, right? Mr. Tony Stark walks his dog every day. So Mr. Tony Stark is a name of a person. ये एक इंसान का नाम है, तो ये हो गया proper noun. Dog is a common name, so it is common noun, right? The boy ran to his mother. Okay, so बच्चा बेट जो लड़का था वो अपनी माँ की तरफ दौड़ा. So boy is a common name and mother is also common name. Okay. The reporter went to Noida to collect news. So Noida is a proper noun. Reporter is a common name. This milk is a common name. Tastes sour. Rose is a beautiful flower. अब flower तो बहुत सारे होते हैं, तो flower हो गया common. लेकिन rose एक specific name है, तो ये हो गया proper noun. King Arthur was a noble king. So ये proper king is common noun. The author wrote a crime novel. Novel is a common noun. Author is also a common noun because यहाँ पर author का name mention नहीं है, right? So आपको ये जो दो points हैं ये homework में करने हैं बच्चों, और I hope कि अब आपको proper noun, common noun और collective noun अच्छे से समझ में आ गए होंगे. Okay. Thanks for watching. Have a nice day.